नमस्कार, मेरा नाम रंजन अभिषेक है और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। यहाँ पे 15 मार्च से लेकर और 19 मार्च तक IHGF दिल्ली फेयर का आयोजन किया गया है, जहाँ अलग अलग हस्तशिल्प के जो कुछ उत्पाद हैं, जो या यूं कह सकते हैं कि भारत के अलग अलग प्रदेश के जो कुछ वहाँ की खासियत है, वहाँ के जो कुछ विशेष उत्पाद हैं, उनका स्टॉल लगा हुआ है। अभी हम लोग इसमें मौजूद हैं। एक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे पीछे कुछ जो ये लगा हुआ है, जूट से बना हुआ ये झोला है। कहने के लिहाज से अगर देखें तो बहुत आसान चीज़ है कि एक झोला है, लेकिन अब बीते कुछ दिनों से जब पर्यावरण बचाने की बात की जा रही है और इस दिशा में सरकार के द्वारा और कई सारे NGO के द्वारा बहुत सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं, समाज में इस बात पर चर्चा की जा रही है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, उस परिप्रेक्ष्य से या यूं कहें कि उस दौर में इस झोले का एक बहुत खास महत्व है। मैं यहाँ जब आया तो मैंने इनसे बात की, तो हमारे साथ सुनील जी हैं। ये मूल रूप से कलकत्ता से हैं, तो यूं कह सकते हैं कि इसमें बंगाल के माटी की सौंधी खुशबू भी इस झोले में है। तो हम इनसे ही बात करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है 10 न्यूज़ में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट है जो आप यहाँ स्टॉल पे है, अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से चल रहा है प्लास्टिक रोकने की दिशा में जो काम हो रहा है, कितना उपयोगी मानते हैं आप इस तरह के प्रोडक्ट को? ये बहुत उपयोगी है, और अब ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, यहाँ तक कि यूरोप में भी कुछ ऐसे देश हैं जैसे डेनमार्क एट्सेट्रा, जिन्होंने कि एक अपना कानून बनाया है जहाँ पे कि प्लास्टिक वो बैन कर दे रहे हैं, और ये अपने जो जूट प्रोडक्ट्स हैं इनको एक बहुत ही बड़ी एक्सेप्टेंस वहाँ है, बिकॉज़ ये नेचुरल फाइबर से है। और ये बहुत जो इनका जो सेल है ये काफ़ी बढ़ रहा है, और हमारे जो मोदी जी इसके लिए जो भारत सरकार है उनकी भी बहुत ही इसके पीछे सराहनीय कदम उन्होंने उठाए हैं, जैसे PLI स्कीम और हम लोगों को मशीनरी के लिए CSAPM और हमारे लिए और भी बहुत सारे स्कीम हैं, रोड टेप, ROCTL ड्रॉबैक तो था ही, तो उस तरह से मोदी जी भी हम लोगों को काफ़ी स्कोप दे रहे हैं। और इस प्रोडक्ट को हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक बहुत मेजर इम्फेसिस है, और इस पर हम लोग टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का काफ़ी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है उनका एक सराहनीय कदम उन्होंने हमेशा उठाया है। और ये भी एक प्रोडक्ट है जो कि टेक्सटाइल के साथ एसोसिएटेड है, और उससे हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, और हमारा जो टर्नओवर है वो भी पिछले साल के मुकाबले दुगना हो चुका है, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से हम आगे और बढ़ते रहें। एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से ये यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट का ये मेला लगाया गया है, ये फेयर है, ऐसे जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं या इस तरीके के जो कुछ काम किए जा रहे हैं अलग अलग मंचों पर, इसको आप कितना उपयोगी मानते हैं? इस सवाल का एक हिस्सा ये भी होगा कि बीते कुछ दिनों से जो बड़े बड़े मॉल हैं या बड़े बड़े दुकान हैं, अब वो झोला या प्लास्टिक के थैली इस प्रकार की चीज़ों को देना बंद कर दिए, तो उस नज़रिए से भी लोग अब अपने घर से ही झोला लेके जा रहे हैं वहाँ भी कुछ खरीदने के लिए, या यूं कहें कि बाज़ार में भी लोग ले जा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म कितना आपके इस उत्पाद को, या यूं कहें कि आप जिस चीज़ को लेके आ रहे हैं यहाँ तक, उसको कितना प्रोत्साहित करता है? अब ये तो प्रोत्साहित तो करता है, ये इंटरनेशनल फेयर है, यहाँ तो जो है लोग आते हैं और आके वो अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ उनको पूरे भारतवर्ष से जो अलग अलग जो सब एक्सपोर्टर्स हैं उनसे और जो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है, तो एक तरह से देखा जाए तो एक वन स्टॉप सोर्सिंग है जहाँ पे कि उनको एक वार्तालाप हो सकती है, और लोग आते हैं। और रहा बात कि इवन मॉल में वो आजकल बैग झोला देते हैं बट विथ ए कॉस्ट, उसको वो प्रोवाइड करते हैं, अगर कस्टमर लेना चाहे कोई प्रोडक्ट अपना उनको मार्केट की, और अगर उनको लेना है झोला तो विथ ए कॉस्ट उनको अवेलेबल रहता है, क्योंकि मॉल वाले भी जो हैं जो बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं वो सोर्सिंग कर रहे हैं आजकल, तो ये स्कोप अब डोमेस्टिक में भी हम समझते हैं कि जो एक्सपोर्ट में था उतनी बड़ी मार्केट है तो हमारी हिंदुस्तान में तैयार हो जाएगा आने वाले वक्त से। एक आखिरी सवाल है, इस पूरे आयोजन में जो यहाँ के आयोजक हैं यानी जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करा है,
उनका क्या व्यवस्था है, आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे, कैसा सुविधा आपको लग रहा है? उनकी तो अच्छी सुविधा अच्छा है, और ये लोग बहुत पुराने हैं, ये फेयर भी बहुत पुराना है, तो एक रेगुलर इम्प्रूवमेंट है, तो उनके तरफ से हर तरह की सुविधा है। एयरपोर्ट हाँ, लगभग हो गए हैं। हाँ, उसके अभी तक का क्या फीडबैक है, मतलब कैसा रहा या फेयर आपके लिहाज से आज तक का देखें तो? जैसा रहता है उस हिसाब से ठीक है, और आज बस एक थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अब तो क्या है कि कोविड जो है वो अब खत्म हो रही है, तो दुनिया भर में जो पहले फेयर्स बंद थे अब वो सारे ओपन अप हो गए हैं। तो अब जर्मनी में जैसे एम्बिएंटे भी अभी जस्ट हुआ है कुछ दिन पहले, अब हांगकांग होने वाला है अगले महीने, तो लोग जो आते थे वो अब उस हिसाब से अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं अलग अलग एरियाज पे, मगर फिर भी ठीक है। हमारे देश का ये बहुत बड़ा फेयर है, यहाँ तक कि हम कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा फेयर है, तो बढ़िया। सुनील जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने पहले ही बताया था इसकी महत्वता, और आने वाले समय में जो हमारी देसी उत्पाद है, चाहे वो जूट का बना हुआ झोला हो या फिर सूती कपड़े का बना हुआ झोला हो, इस प्रकार के उत्पाद, सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रहे हैं और लोग भी धीरे धीरे जागरूक होकर पर्यावरण के प्रति बहुत जिम्मेदार हो रहे हैं। अब देख रहे हैं 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।